क्लास फिफ्थ चैप्टर 18 यूनाइटेड नेशन द टू ग्रेट वॉर्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड इन्वॉल्व मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. जो दो ग्रेट वर्ल्ड वॉर हुई जिसमें पहली और दूसरी वर्ल्ड वॉर थी इसमें पूरी कंट्रीज इन्वॉल्व थी. द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज फॉट फ्रॉम 1940 to 1918 तक चली एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 to 1945. द सेकेंड वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर इन द टर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. यानी कि जो दूसरी वाली वर्ल्ड वॉर थी उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को हमें नुकसान हुआ. मिलियन डाइड एंड मैनी मोर वर डिसेबल्ड. बहुत मरे और बहुत डिसेबल्ड भी हुए. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ड्रॉप एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा नागासाकी सिटी इन जापान. There was sorrow and a horror everywhere. United States of America ने एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी की जो सिटी है जापान की उन पर छोड़ा और ये बहुत ही निराशाजनक बात थी और बहुत ही डरावनी बात थी. हर जगह काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना जैसे मतलब दर्द और तकलीफ फैल गया था. People all over the world got worried about their future. दुनिया भर के लोग अपने फ्यूचर को लेके परेशान रहने लगे. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म प्रेजेंट पीस ऑफ सेटल डिस्प्यूट बाय एट्रीब्यूशंस. यानी कि वर्ल्ड ऑफ लीग ऑफ पी लीग ऑफ नेशन बनाई गई ताकि वो दुनिया भर में एक पीस का माहौल रख सके. इन द लेटर 18th century अ जर्मन फिलोसफर इमानुएल कांट हैड प्रपोज्ड अ फेडरेशन और अ लीग ऑफ द वर्ल्ड नेशन. 18th century में जर्मन एक फिलोसोफर जो थे इमानुएल कांट उन्होंने एक फेडरेशन या एक लीग ऑफ वर्ल्ड नेशन का प्रपोज रखा कि अब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए. ही बिलीव दैट सच एज अ फेडरेशन वुड अनेबल टू द कंट्री टू यूनाइट एंड बी एबल टू पनिश द नेशन दैट कमिट एन एक्ट ऑफ एग्रेशन. इनका ये मानना था इनका ये विश्वास था कि इस तरह की फेडरेशन अगर बनेगी तो वो कंट्रीज़ में यूनिटी बना के रखेगी और जो भी कंट्री अगर गलत काम करती है तो उसे पनिश भी करेगी. इट वॉज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल इट फेल टू प्रिवेंट इवन अ स्मॉल वॉर. पर ये चीज़ कामयाब नहीं हो पाई और इसके रहते एक और वॉर हो गई. मैनी नेशन ऑफ द वर्ल्ड नाउ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश और ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव देन द लीग ऑफ अ नेशन. उसके बाद सभी नेशंस ने इस बात को डिसाइड किया कि वो एक और ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करेंगे जो बिल्कुल मतलब लीग ऑफ नेशन से ज़्यादा अच्छी होगी. द लीडर ऑफ अ बिग एंड पावरफुल नेशन लाइक यूएसए सोवियत यूनियन ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना मेट इन मॉस्को एंड फेल्ट द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. ये सारे देश मिले मॉस्को में और इन्होंने सोचा कि एक ऐसी शांति ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो सारे देश में शांति बनाने में कामयाबी पा सके. अब बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन. आप बच्चे से यूएन के नाम से जानते हैं. दिस फीलिंग गेव बर्थ टू द यूनाइटेड नेशन. ये जो फीलिंग थी उन सभी लोगों की उससे एक यूनाइटेड नेशन का बर्थ हुआ. द नेम वॉज द फर्स्ट सजेस्टेड बाय द यूएस प्रेजिडेंट रोजवेल्ट. पहले यूएस के प्रेजिडेंट रोजवेल्ट के द्वारा ये नाम सजेस्ट किया गया. फाइनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ 50 नेशन मेट इन सैन फ्रांसिस्को ऑन अप्रैल 1945. फाइनली जो भी यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे वो 50 नेशन मिले सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल 1945 में. दे डिसाइड टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और UNO. उन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए. उसका नाम होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और जिसे हम आज UNO भी कहते हैं. दे ऑल्सो प्रिपेयर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन. नाउ इट हेडक्वार्टर इज़ इन न्यूयॉर्क इन USA. द यूनाइटेड नेशन कम इन टू बींग ऑन 24th October 1945. सिंस देन दिस डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर एज यूनाइटेड नेशन डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. 24 अक्टूबर 1945 में ये यूनाइटेड नेशन आई. USA न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और आज देश भर में हम इस दिन को 24 अक्टूबर को एज ए यूनाइटेड नेशन डे थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में हम सेलिब्रेट करते हैं. वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. कि ऑब्जेक्टिव इसकी वजह क्या है मतलब ये क्यों है क्या काम है. ओके मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर लिस्टेड बिलो. टू वर्क फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. शांति के लिए सिक्योरिटी के लिए काम करें पूरी दुनिया में. टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशन. फ्रेंडली यानी कि भाईचारे और दोस्ती के व्यवहार को बनाए बाकियों के नेशंस में.
टर्म अबाउट ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम सभी में प्रमोट की जाए टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड ह्यूमन प्रॉब्लम. सारी जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में उन सबको सॉल्व करने में ये हेल्प करें. रिमूव डिफरेंस बेस्ड ऑन अ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स अमंग द पीपल, और किसी भी तरीके के भेदभाव को मिटाना. टू असिस्ट इट इन द अचीवमेंट ऑफ दीज एम, और सारी दुनिया को ये सब चीज़ें अचीव करने में मदद करना. द मेन एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन रेस फ्रॉम द हॉरर ऑफ वॉर. इनका मेन जो रीज़न था इसको फॉर्म करने का बस यही था कि इन दो वॉर्स के बाद अब कोई वॉर ह्यूमन रेस को देखनी ना पड़े. टुडे द यूएनओ हैज़ बीन एबल टू अचीव मैनी ऑफ इट्स गोल. आज की डेट में यूएनओ अपने ज़्यादातर गोल्स को अचीव कर लिया है. इट इज़ येट टू सॉल्व मैनी अदर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड सच एज लिटरेसी, पॉवर्टी, पुअर हेल्थ एंड इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन. उसमें कई जैसी अब आती हैं, लिटरेसी यानी कि अनपढ़ लोग होना, गरीबी होना, गरीब होना, हेल्थ होना, और या फिर पॉपुलेशन का बढ़ना, जैसी सारी चीज़ें यूएनओ ने सॉल्व करने की पूरे वर्ल्ड में कोशिश की है. द यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रेविंग हार्ड टू मीट ऑल इट्स गोल. उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया है अपने इन सभी गोल्स से अचीव करने में. इन द बिगनिंग द यूनाइटेड नेशन हैड ओनली 50 मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया. स्टार्टिंग में इंडिया को मिला के सिर्फ 50 मेंबर थे. नाउ इट हैज़ मोर देन 192 कंट्रीज. अब यहाँ पर मोर देन 192 कंट्रीज एज ए मेंबर यूएन बॉडी हैं. द यूनाइटेड नेशन मेड अ डिक्लेरेशन अबाउट द राइट ऑफ अ ह्यूमन बींग. तो यूनाइटेड नेशन है उसने डिक्लेयर किया है ह्यूमन राइट्स के बारे में, कॉल्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948, जो 10 दिसंबर 1948 में आई. वज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट डे, जिसे हम आज के डेट में ह्यूमन राइट डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. ये इसके अंदर हमारे ह्यूमन राइट्स थे जो हमें यूएनओ ने प्रोवाइड कराए, जिनमें से कुछ राइट हैं. ऑल ह्यूमन बींग आर बॉर्न फ्री, इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट. पैदा होने वाला हर इंसान आज़ाद है, उसे इक्वल राइट है अपनी अपनी जीवन को डिग्निटी यानी कि सम्मान से और अपने हर राइट से जीने का. Everyone has the right to life, liberty and security of a person. हर इंसान के पास जीने का, ज़िंदगी का और आज़ादी का और सिक्योरिटी का हक है. No one shall be held in a slavery and servitude. Slavery is a slave trade, shall be prohibited in their form. Slavery यानी कि नौकरशाही, नौकर खरीदना या फिर लोगों को नौकर बनाना, ये सब भी बैन कर दिया गया. No one shall be objected to torture or a cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. किसी भी तरह का टॉर्चर अलाउ नहीं. Everyone has a right to recognition everywhere as a person before the law. Means हर एक इंसान को हर तरह के लॉ को इस्तेमाल करने का मतलब राइट है. ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर एंटाइटल्ड विदाउट एंड डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन फॉर द लॉ. यानी कि हर एक आदमी बराबर है लॉ के लिए, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो कानून के लिए हमेशा एक बराबर रहेगा. नो वन शैल बी ऑब्जेक्टेड एंड ऑर्बिटरी अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल. किसी तरह की पनिशमेंट देने के लिए भी आप मतलब किसी भी तरह की पनिशमेंट देना किसी और ह्यूमन के लिए, किसी और ह्यूमन को पर मतलब आज़ादी नहीं है. एवरी वन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम मूवमेंट रेजिडेंट विद इन द बॉर्डर ऑफ ईच स्टेट. अपनी आज़ादी से आप किसी स्टेट के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं, रह सकते हैं. एवरी वन राइट टू लीव एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में रह सकते हैं, इंक्लूडिंग हिज ओन, अपनी ही क्यों ना हो, एंड रिटर्न टू हिज कंट्री, और आप किसी भी कंट्री में आ जा सकते हैं. हर तरह की आज़ादी है. एवरी वन हैज़ अ राइट टू द नेशनैलिटी. हर एक आदमी के पास नेशनैलिटी होने का राइट है. एवरी वन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम थ्रू कॉन्सेंसस एंड रिलीजन्स, यानी कि थॉट एंड कॉन्शियसनेस एंड रिलीजन्स. एवरी वन मतलब हर किसी के पास अपना धर्म चुनने की आज़ादी है. एवरी वन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, और हर किसी के पास अपनी बात कहने की भी आज़ादी है. सम ऑफ द प्रॉब्लम आर स्टिल देयर बट द यूनाइटेड नेशन इज़ अ वर्किंग सिंसियरली टू हेल्प द ह्यूमन रेस इन इट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अ यूएनओ. इट इज़ अमंग द फर्स्ट 50 मेंबर हु साइन द यूनाइटेड नेशन चार्टर. मेंबरशिप ऑफ यूएन इज ओपन टू ऑल पीस लविंग नेशन. यानी कि भारत जो था पहले 50 नेशन में आता था और अब भी वो है उनका मेंबर, और यूएन में वो हर नेशन अलाउ है जो पीस चाहता है, शांति चाहता है. तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. ये इसके एक्सरसाइज हैं, और बाकी चीज़ों के लिए आप देखिए सनराइज़ इंटरनेशनल.